हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। आपके लिए एक मैं रेसिपी लेकर आई हूँ जो फिटनेस से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। अक्सर लोग फास्ट फूड खाकर, जंक फूड खाकर बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो अपनी फिटनेस का ध्यान रखने के लिए कुछ फूड चाहते हैं कि हम ऐसा फूड खाएं कि हम फिट रहें। तो आपके लिए मैं एक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है दलिया। ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और रात के समय भी, जैसे आपको लाइट खाना खाना हो तो आप ये दलिया खा सकते हैं। तो बहुत ही इजी वे में बताती हूँ कि आप ये दलिया घर पर कैसे बनाएं। दलिया हमने लिया है, एक बाउल दलिया लिया है, एक ग्लास ठंडा दूध लिया है, चीनी हाफ बाउल, पानी एक ग्लास, और ये केसर है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप दे सकते हैं, किशमिश, काजू और ये पिसी हुई इलायची। पैन ले लिया है और इसे गरम कर लिया है। दलिया हमने इसके अंदर, पैन में कोई घी नहीं डाला है, ऑयल फ्री है ये, और दलिये को हम भून लेंगे पहले 5 मिनट तक। इसे हम थोड़ा ब्राउन हो जाएगा और इसे दलिया को भून लेते हैं। गेहूं का दलिया भुन गया है, 5 मिनट हो गए हैं और आप देखेंगे ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया। गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसे कुकर में पानी डालकर 1 सीटी 2 सीटी लगाएंगे। कुकर में मैंने भुना हुआ दलिया डाल दिया है, इसके अंदर पानी डालेंगे 1 ग्लास पानी। और इसे 2 सीटी लग इसे बॉईल करेंगे। दो सीटी हो गया है, अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं। पैन को गरम कर लिया है और इसके अंदर दूध डालते हैं। और ये दलिया जो बॉयल हो गया है 2 सीटी लगाने पर, इसे डाल देते हैं। पांच मिनट के लिए इसे चलाएंगे जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। बॉयल आ गया है, अब इसके अंदर हम चीनी डालते हैं। इलायची पाउडर, और ये केसर ऑप्शनल है, ये मिक्स कर लेते हैं। केसर डालने से बहुत ही टेस्टी हो जाता है ये दलिया। एक बॉयल और आ जाए फिर गैस ऑफ कर देंगे। ऑलरेडी ये पका हुआ है और ठंडा होने पर ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा किशमिश भी डाल देते हैं। और काजू। शाही दलिया बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बना है। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग।